नमस्कार दोस्तों, फिर से तो आपको हमारी एक न्यू वीडियो में दोस्तों इसमें हम सीखने वाले हैं किस प्रकार से आप फ्लिपकार्ट के अंदर जो पे लेटर का जो ऑप्शन आता है यानी कि पे लेटर नेक्स्ट मंथ का कैसे इसको इनेबल कर सकते हो। इसमें हम सीखने वाले जैसे कि दोस्तों ये अभी आप देखते हैं पे लेटर नाउ यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर है जिसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे इसको इनेबल कर सकते हो इसमें हम सीखने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यदि आप जो भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो तो दोस्तों इसमें आप जैसे दोस्तों कोई भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो दोस्तों उसमें जैसे कि मैं कोई एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट लेता हूँ, इसमें आपको दिखाता हूँ कि जो पे लेटर का जो ऑप्शन आता है वो कैसे आता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं एक वॉच को मैं इसको परचेज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो दोस्तों इसके नीचे यहाँ पर बाई नाउ एंड पे लेटर EMI यहाँ पर एक्टिव। दोस्तों इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ इसको जब परचेज कर दो तो आप नेक्स्ट मंथ इसका पेमेंट आप आसानी से पे लेटर के माध्यम से आप कर सकते हो। तो कैसे आपको यहाँ पर इसको इनेबल करने इसमें हम सीखने वाले, क्योंकि दोस्तों ये फीचर बहुत अच्छा है यानी कि फ्लिपकार्ट और अमेजन में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हम सीखने वाले फ्लिपकार्ट के अंदर जो पे लेटर का जो ऑप्शन रहता है इसको कैसे आप इनेबल कर सकते हो और आपका जो भी क्रेडिट है कितना मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो बिना देर के शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सत्यम पाठक, अगर आप देख मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आप पाठक, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको पे लेटर का जो ऑप्शन इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो सबसे पहले आपको बैक चले जाना एंड यहाँ पर अपने होम पर चले जाना। यहाँ पर आपको जो फ्लिपकार्ट का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा एक क्रेडिट का ऑप्शन। यहाँ पर दोस्तों अपना जो फ्लिपकार्ट का जो एक्सेस क्रेडिट कार्ड होता है एंड दोस्तों पे लेटर है यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेगा एक क्रेडिट का ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको दोस्तों आपको इस वाले क्रेडिट का जो ऑप्शन इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आपको इस प्रकार का इंटरफेस होगा, क्रेडिट ऑन फ्लिपकार्ट, यहाँ पर शॉप नाउ प्ले। तो दोस्तों सबसे ऊपर आपको मिल जाता है फ्लिपकार्ट पे लेटर नेक्स्ट एंड दोस्तों नीचे आपको मिल जाता है फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपको पे लेटर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अभी आप देखते हैं शॉप अप 30 सेकंड पर क्लिक कर दें, जैसे आपको यहाँ पर इनेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रस्ट यानी कि 1 करोड़ से अधिक लोगों ने यहाँ पर इस पर ट्रस्ट और 1 करोड़ से अधिक कस्टमर पे लेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना किसको इसको कैसे आपको इनेबल करना है एंड यहाँ पर कैसे इसको एक्टिवेट करना। दोस्तों यहाँ पर 700 से अधिक यहाँ पर इसका गिफ्ट कार्ड मिल जाता है एंड दोस्तों एक यानी कि 1 लाख तक आपको इंस्टेंट यहाँ पर क्रेडिट लिमिट मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर शॉप अप टू यहाँ पर 30 सेकंड जैसे आप क्लिक कर दो तो यहाँ पर आपको जो पे लेटर का जो इनेबल यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कैसे आपको इनेबल करना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ शॉप नाउ पे नेक्स्ट मंथ का यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो भी चार्ज यहाँ पर कोई भी आपका चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर आपको सबसे पहले आपको इसको इनेबल करने के लिए आपका जो भी पेन नंबर है यहाँ पर आपको फिल करना होता है एंड आपको आधार नंबर एंड दोस्तों आपको जो कुछ बैंक की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी होती है जिससे आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो पेन नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पेन नंबर को फिल करके एक्टिवेट नाउ पर क्लिक कर लेता हूँ एंड अभी आप देख सकते हैं पे लेटर का वाई टू पे लेटर यहाँ पर नेक्स्ट मंथ 1 क्लिक यहाँ पर क्लिक आउट हो जाएगा एंड इजिली मंथली यहाँ पर पे बैक आप कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में और EMI यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक इसमें कस्टमर इस पर ट्रस्ट करते हैं और 1 करोड़ से अधिक इसमें कस्टमर पे लेटर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका जो भी पेन नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपको फिल कर देना है एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर। चलिए यहाँ पर मैं अपना पेन नंबर को फिल कर देता हूँ एंड यहाँ पर आपको एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। एक्टिवेट नाउ जैसे आप क्लिक कर दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना जो भी आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर जो भी मैं अपना आधार नंबर है एंड यहाँ पर जो भी आपका आधार नंबर है दोस्तों यहाँ पर आपको फिल करना होता है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर को मैं फिल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो बैंक के जो कुछ डिटेल्स यहाँ पर फिल करने होते हैं, यहाँ पर जो भी आपके आधार पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP जाएगा, OTP फिल करने का वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जैसे आप वेरीफाई करते हो तो यहाँ पर आपका जो OTP वेरीफाई हो जाएगा एंड दोस्तों आपका यहाँ पर आधार एंड पेन यहाँ पर आपका जो भी दोनों यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरीफाई होने देते हैं एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों आपको जो भी आपकी पूरी डिटेल्स यानी कि KYC की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएगी, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, आपके फादर का नाम यहाँ पर आपको जो भी KYC का जो भी नंबर होता है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर, जेंडर एंड दोस्तों जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो यहाँ पर आपका शो हो जाएगा एंड आपको एग्री एंड सबमिट पर क्लिक कर दें। जैसे आप यहाँ पर एग्री एंड सबमिट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर जो भी आपका जो भी पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ भी आपकी जो बैंक की डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको फिल करना होता है। यहाँ पर आपको जो भी UPI ID है दोस्तों आपकी बैंक डिटेल्स में आपको फिल करनी होती है। तो यहाँ पर जो भी आपका UPI ID यहाँ पर जो भी आपका UPI ID इसमें देना चाहते हो यहाँ पर आपको फिल कर देना है जो भी आपका UPI ID है। तो यहाँ पर मैं अपने चलिए UPI ID को फिल कर लेता हूँ एंड यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं अपने UPI ID को फिल कर देना, यहाँ पर आपको वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करते हो दोस्तों तो यहाँ पर आपको कुछ सेकंड लेंगे जिसमें आपको जो अकाउंट का जो अकाउंट होल्डर जो भी नेम है यहाँ पर फेच किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा एंड यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो आपको जो भी कंग्रेचुलेसन यहाँ पर 1000 तक यहाँ पर अप्रूव लिमिट, तो यहाँ पर दोस्तों मुझे 1000 तक यहाँ पर अभी लिमिट मिली है। दोस्तों आपको बताऊँ सबसे पहले आपको 1000, 2000 या फिर 3000 तक की आपको लिमिट मिलती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर टाइम पर आप पे लेटर कर देते हो तो दोस्तों आपको नेक्स्ट मंथ में भी आपको इससे ज़्यादा आपको क्रेडिट लिमिट मिल सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल मुझे 1000 की अभी लिमिट मिली है। यहाँ पर 1000 के अंडर में जो भी सामान है उसको परचेज करके मैं नेक्स्ट मंथ में इसका जो पेमेंट मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरफ मैं आपको एक शॉप करके दिखाता हूँ। जैसे आप शॉप ना पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो पे लेटर का जो ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा।
जैसे कि दोस्तों आपको एक पर्चे यानी कि, तो दोस्तों यहाँ से आपको 1000 के अंडर में जो भी आपका सामान के सामान रहेगा उसको यहाँ पर आपको परचेज करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जैसे 699 का यहाँ पर है, तो यहाँ पर पे लेटर का यहाँ पर ऑप्शन भी इस पर इनेबल है, तो यहाँ पर मैं इसको परचेज करके आपके सामने आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर जैसे आप सामान परचेज करते हो तो यहाँ पर उसको यहाँ पर परचेज कर लेना है। एंड यहाँ पर आपको जो पेमेंट का जो भी मेथड है दोस्तों इसमें आपको चले जाना है। एंड यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर सजेस्टेड में यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन, यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट मंथ यहाँ पर 639 रुपये जो आपको पेमेंट करना होता है, जो कि 5 जून से पहले आपको पेमेंट कर देना है। तो आप इसको इनेबल करें, इस पर टिक करके जो भी आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर आपको वेरीफाई हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के बाद इसको आपको पेमेंट के आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर आप जो भी आपका जो सामान परचेस हो जाएगा एंड आपको नेक्स्ट मंथ में इसका आप यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर फ्लिपकार्ट पे लेटर का यहाँ पर जो भी ऑप्शन इसको यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, इसका यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फिलहाल दोस्तों आपको इस वीडियो में बस यही छोटी सी जानकारी देना किस प्रकार से पे लेटर को यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हो। दोस्तों आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत फिर करो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में या फिर तो आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझने का मैं जरूर कोशिश करूँ। तो फिलहाल तो आपको इस वीडियो में बस यही छोटी जानकारी देने हो, तब तक के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत धन्यवाद। नहीं किया कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ओपन से लेकर ताकि दोस्तों इससे संबंधित कोई नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मैं तब तक ले जाए जबरदस्त वंदे मातरम।